हाँ सबने क्वेश्चन नोट कर लिया, ठीक है। अब आप एक बार देख लो क्वेश्चन। ए बी हो गया मीटर ब्रिज, ठीक है, लेंथ होगी 100 सेंटीमीटर, गैल्वेनोमीटर टैपिंग की, ठीक है, और ये कितने डिस्टेंस पर रखा है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 52 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 48 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और आर की वैल्यू क्या दी है, आर इक्वल टू 10 ओम, ठीक है ना। अब फार्मूला क्या कहता है, एक्स ओवर 52 इक्वल टू आर, यानी 10 ओवर 48। लेकिन अब आपको इसमें एंड करेक्शन भी ऐड करने होंगे, ठीक है। तो यहां से एंड करेक्शन कितना है, +1, और यहां से है +2। सॉल्व करोगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, 10.6 ओम। सबका इतना आ गया, देखो। अब आप यहां पे देखना, एक मीटर ब्रिज आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। एक गैप में लगा है आर रेजिस्टेंस, दूसरे गैप में लगा है 90 ओम, ठीक है ना। यहां से ए से लेके जे तक की लेंथ गिवन है 40, तो जे से लेके बी तक की लेंथ क्या हो जाएगी, 60। ये भी आपको समझ में आ रहा है। आपको निकालनी है आर की वैल्यू, लेकिन एक प्रॉब्लम और है इसमें। ये कहा गया है कि यहाँ पर जो मीटर लगा रहता है मीटर स्केल में मेजर करने के लिए, इस तरह का जो मीटर लगा है इसका लीस्ट काउंट आपको गिवन है 0.1 मिलीमीटर, ठीक है ना। इसका लीस्ट काउंट कितना दिया है, एक बार लीस्ट काउंट चेक कर लेना कितना दिया, 1 मिलीमीटर, ठीक है। इसका लीस्ट काउंट आपको गिवन है 1 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में आप क्या लिखोगे, लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जो मीटर स्केल है, मीटर ब्रिज के साथ जो स्केल लगा रहता है, इसका लीस्ट काउंट गिवन है 0.1 सेंटीमीटर, और आपको वैल्यू निकालनी है आर की, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये एरर वाला भी है, ठीक है ना, क्लास 11th, और इसका फंडामेंटल भी लगना है, ठीक है ना। तो अभी तक अगर हमारे पास एरर की कोई बात नहीं होती तो किस तरह से रीडिंग आप निकालते, फिर आप बोलते आर ओवर 90 इक्वल टू 40, ये डिस्टेंस 40 है तो ये वाली डिस्टेंस होती 60, ठीक है, 40 ओवर 60 ओम। इससे आप आर की वैल्यू फाइंड कर लेते, आर इक्वल टू 90 × 4/6, और आर की वैल्यू आ जाती 60 ओम, ठीक है। तो वैल्यू तो क्लियर है, वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, लेकिन 60 ओम के भी दो ऑप्शन दिए हैं, ठीक है ना। साथ में हमें एरर भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने आपको एरर फाइंड करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताया था 11th क्लास में, आप फिर से वो देख लो, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखो, अगर एक्स इक्वल टू गिवन हो ए स्क्वायर ओवर बी, ठीक है, और ए के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर हो 2%, बी के मेजरमेंट में परसेंट एरर हो 3%, तो फाइंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स। तो आपको तरीका क्या बताए थे, पावर इनटू परसेंटेज करना है, परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल टू ए की पावर कितना है 2, ए में कितना परसेंट एरर है 2%, प्लस बी की पावर कितना है 1, इसमें कितना परसेंट एरर है 3%, तो टोटल क्या आ जाएगा 4 + 3 = 7%। इस तरह से आपको याद है, ठीक है। जिनको नहीं मालूम हो अभी आप देख लो, इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं एरर, ठीक है ना, क्लियर है इतना। अब आप देखो, अब हमें निकालनी है इसके मेजरमेंट में कितने परसेंट एरर होगी, ठीक है ना। तो आप तरीका देखो, वैल्यू तो आ चुकी है 60, ठीक है ना, लेकिन एरर कितनी आएगी, तो एरर निकालने का मेथड देखो। एक बात और है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है या जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है उसमें उतनी ही एरर होती है। तो इस मीटर स्केल से जो आप मेजर कर रहे हो, ठीक है ना,
इससे सबसे छोटी वैल्यू क्या मेजर हो सकती है, 0.1 सेंटीमीटर। तो इससे मेजरमेंट में जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी वही उसकी एरर होगी, ठीक है ना। अब आप देखो फार्मूला हमारे पास क्या था, R1/R2 इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं L/100 - L या L1/L2, ठीक है ना। इस वाली लेंथ को आप ले लो L1, ये वाली लेंथ हो जाएगी L2। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। R2 की वैल्यू दी है एग्जैक्ट 90, ठीक है ना। तो R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 L1/L2। इनकी पावर कुछ नहीं है तो कितनी पावर है, 1, ठीक है ना। अब अगर हम पावर इनटू परसेंटेज कर दें L को और L1 को और L2 को, ठीक है ना, तो हमें निकालना पड़ेगा L1 में कितने परसेंट एरर है और L2 में कितने परसेंट एरर है, ठीक है ना। तो आप ये देखो L1 की वैल्यू क्या लिखोगे, L1 इक्वल टू लिखा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और किससे मेजर करते हो, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हो वो सबसे छोटी वैल्यू पड़ सकता है 0.1 सेंटीमीटर, या उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे, 40 ± 0.1। इससे परसेंटेज एरर क्या आएगी, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ L1 कितनी एरर है, 0.1, कितने में से है, 40 में से, इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, यह जाएगा 1/4%, कितना आएगा, 1/4%। ऐसे ही आप लोग L2 की एरर फाइंड करो, L2 की वैल्यू कितनी है, L2 की वैल्यू है 60, तो उसको भी आप क्या लिखोगे, 60 ± 0.1, ठीक है। ऐसे L2 को लिखो 60 ± 0.1, इसकी परसेंटेज एरर भी फाइंड करो, कितनी एरर है, 0.1, कितने में से है, 60 में से, इंटू 100, ठीक है ना। ये आ जाएगा 1/6%, ठीक है। L1 की एरर है 1/4%, L2 की एरर है 1/6%। सब लोग यहां तक देखो, अब हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन R1, इसके मेजरमेंट में या R के मेजरमेंट में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर इंटू परसेंटेज कितना है, 1/4% प्लस L2 की पावर, ठीक है। चाहे ऊपर हो या नीचे हो, एरर हमेशा ऐड होती है, ऊपर या नीचे हो माइनस वाला कोई काम नहीं होता, ये आपको बताए थे। तो 1 × कितना आ जाएगा, 1/6, LCM आ जाएगी 12, ठीक है ना। ये 3 + 2, 5/12%, कितने परसेंट एरर होगी, ठीक है ना। अब R2 की वैल्यू क्या आई थी, R2 की वैल्यू हमारे पास आई थी, सॉरी R की वैल्यू क्या आई थी, R1 की वैल्यू, ये वैल्यू आई थी 60 ओम, ठीक है ना। अब आपको निकालना है 5/12% एरर है, तो 5/12% ऑफ 60 कैसे निकालोगे, 60 × 5/12/100, इस तरह से फाइंड की जाती है एरर, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल, 6, 2, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 5/2 यानी 0.25/10, सॉरी 5/2 यानी 2.5/10 इक्वल टू 0.25, ठीक है ना। 60 में से इतने ओम की एरर होगी तो क्या लिखा जाएगा, R इक्वल टू 60 ± 0.25 ओम, ठीक है। ठीक है, एरर कितनी होगी, 60 ± 0.25 ओम। देखो क्वेश्चन में गिवन है, पहले नल पॉइंट मिलता है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम A, ठीक है, मतलब 12 कनेक्ट नहीं है, बाद में 12 कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, तो नल पॉइंट मिलता है 50 पर। तो ROS की वैल्यू निकालनी है, अच्छा ठीक है, देख रहे हैं बेटा, दो रेजिस्टेंस R और S हैं और नल पॉइंट मिलता है हमें पहले 40 सेंटीमीटर पर, ठीक है ना। तो इस तरफ का बचा हुआ पोर्शन कितना होगा, ये वाला हो गया A, ये वाला हो गया B, ये हो गया C,
तो ये वाला क्वेश्चन होगा 60 सेंटीमीटर, आर और एस दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, आर ओवर एस इक्वल टू 40/60, ठीक है। तो आर ओवर एस की वैल्यू आ जाएगी 2/3, आर इक्वल टू 2/3 एस, ठीक है ना। आर और एस में एक रिलेशन आ चुका है, ठीक है। इसके बाद ये कहते हैं अगर एस के साथ पैरेलल में 12 ओम जोड़ दें, एस के साथ पैरेलल में जोड़ दें 12 ओम, ठीक है, तो जो नल पॉइंट है वो 50 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। 40 की जगह ये 50 सेंटीमीटर पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी ये शिफ्ट हो जाएगा इस पॉइंट पर, ये डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, ए से जी डैश तक की 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये 50 है तो बची हुई भी 50 होगी, ठीक है। अब आप देखो, एक तरफ होगा आर, ठीक है ना, दूसरी तरफ 12 और एस का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, 12 × s, 12 + s, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, 50/50, ठीक है, ये हो जाएगा 1। इससे क्या आएगा, इससे आएगा आर इक्वल टू 12s, 12 + s, ठीक है। और हमें आर और एस में एक रिलेशन मालूम है, आर इक्वल टू 2/3 s, ठीक है ना। तो आर की जगह यहाँ पे यूज करो 2/3 s इक्वल टू 12s, 12 + s, 2, ये हो जाएगा 6, s से s कैंसिल, इससे कितना आएगा 12 + s इक्वल टू 18, s इक्वल टू आएगा 6, यहाँ पर 6 रखोगे, r इक्वल टू आएगा 4 ओम, ठीक है, बनेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए मीटर ब्रिज में दो रेजिस्टेंस लगे हैं, एक 2 ओम का है, दूसरा अननोन रेजिस्टेंस है r, ठीक है। और अगर इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात और आपको गिवन है, r इज ग्रेटर देन 2 ओम, ठीक है, r इज ग्रेटर देन 2 ओम, r की वैल्यू 2 ओम से बड़ी है, ठीक है ना, r की वैल्यू 2 ओम से बड़ी है। अब आप इसमें देखिए, अगर r की वैल्यू 2 ओम से बड़ी होगी तो 100 - l की वैल्यू l से बड़ी होगी, ठीक है ना, यहाँ तक बात क्लियर है। अब आप ये देखिए, इससे क्या होगा, 2/r इक्वल टू 2/r इक्वल टू l/100 - l, ठीक है, बैलेंसिंग कंडीशन लगाते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आप क्या करते हैं, r और 2 को आपस में इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, l यहां पर और 2 यहां पर, ठीक है। अब क्या हो जाता है, ये जो बैलेंसिंग लेंथ है, ये l कितना हो जाती है, बैलेंसिंग लेंथ यहां से बढ़कर, ठीक है ना, पहले थी L, अब हो जाती है L+20, ठीक है, बची हुई लेंथ क्या होगी, 100 - L+20, ये कितना आएगा 80 - L, ठीक है ना। अब इसमें बैलेंसिंग लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो R ओवर 2, ठीक है ना, यहां से क्या आएगा, R ओवर 2 इक्वल टू L+20/80 - L, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, देखिए अभी R/2 की वैल्यू है और यहाँ पर 2/r की वैल्यू थी L/100 - L, तो R/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका अपोजिट, यानी 100 - L/L, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इक्वल टू L+20/80 - L, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा L²+20L, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू 8000 - 80L, अब L का मल्टीप्लाई करते हैं,
माइनस 100 एल प्लस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, यहां से आएगा माइनस 180 एल, इस तरफ आगे हो जाएगा 200 एल, 200 एल इक्वल टू आएगा 8000, ठीक है ना। तो एल की वैल्यू आएगी 40 सेंटीमीटर, ठीक है, एल की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं, ठीक है, एल की वैल्यू आ गई 40, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 60, तो 2 ओवर आर इक्वल टू 40 ओवर 60, ठीक है, 2 2 जा 4, ये कितना जाएगा 1 ओवर 3, तो आर इक्वल टू 3 ओम, ठीक है। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी